और बेसिकली दिस टूल इज द फर्स्ट एंड लीडिंग प्रोडक्ट हंटिंग टूल फॉर एज ऑफ नाउ काफी डेवलपर्स काम कर रहे थे बट फाइनली सक्सेसफुली ये टूल जो है वो इस वक्त फाइनली uh, जो है वो मार्केट में लाइव हो चुका है एंड इट्स इन टेस्टिंग फेज सो आपने करना क्या होगा बेसिकली कि आपने सबसे पहले रजिस्टर करना होगा यहां पे सबसे पहले आप रजिस्टर कर लेंगे हां मेरी आईडी ऑलरेडी बन गई है इधर तो लेट मी जस्ट साइन आउट फ्रॉम ओके यू आर यूजिंग अ फ्री प्लान बेसिकली अच्छा आपने रजिस्टर करना होगा अपना फॉर्म फिल करना होगा देन उसके बाद यू विल बी एबल टू टू गेट नो दिस टूल आपके पास ईमेल आएगी दरास की तरफ जावेद की तरफ से कि आपने अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेना के पे करेंगे, so आप जाएगी, जैसे बाकी में हमारे पास आती है एक्सटेंशन पे आप क्लिक करोगे तो ये पूरा प्रोसीजर बताएगा आपको यहाँ पे कि हाउ यू कैन डाउनलोड एक्सटेंशन ये प्रोसीजर फॉलो करना है आपने जिसमें आपने इस टूल को डाउनलोड करने के बाद उसके उसको अनजिप बेसिकली कर लेना है यहां से आप उसको अनजिप कर लेंगे और एक्सट्रैक्ट कर लेंगे बेसिकली एक्सट्रैक्ट करने के के बाद बाद जो है वो उसका एक ये फोल्डर फोल्डर खुल जाएगा इस फोल्डर को खुलने के बाद आपने आ, अपना जो है वो क्रोम एक्सटेंशन खोलना है क्रोम एक्सटेंशन में ये जो ये पजल वाला एरिया है इसको क्लिक करेंगे देन मैनेज एक्सटेंशन में जाएंगे अः डिवेलपर मोड को पहले इस तरह से होगा आप उसको ऑन कर देंगे लोड अनपैक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे जो आपका टूल है जावेस का इसको आप जो अनजेप आपने किया था फोल्डर को उसको सिलेक्ट फोल्डर कर लेंगे तो यहाँ से आपके पास टूल आ जाएगा ये ऑलरेडी यहाँ से इनेबल्ड हो चुका है और जब ये हो जाएगा तो फिर आप सिंपल आपने फिर ये करना है कि आप जाएंगे दराज डॉट पे आपने यहाँ पर प्रोडक्ट लिखनी है फॉर एग्जाम्पल स्पेक्चुला सेट ठीक है जी आपने यहाँ पर प्रोडक्ट सर्च कर लेनी है देन क्रोम एक्सटेंशन यहाँ से आपके पास पिन नहीं हुई हुई होगी आपको उसको यहाँ से पिन करना होगा पिन करने के बाद ये एक्सटेंशन रन हो जाएगी आईडी आईडी पासवर्ड पासवर्ड मांगेगा जो आपने लॉगिन रजिस्टर करते वक्त बनाया था भी आ जाएगा आपके पास तो ये तमाम इसके फीचर्स इधर आ रहे हैं प्राइस क्या है ब्रांड क्या है कैटेगरी सेलर उसकी रेटिंग रिव्यूज क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर क्या है सेल्स पर मंथ क्या है एस्टिमेटेड एवरेज एस्टिमेटेड एज क्या है 1.7 मंथ से बेच रहा है ये so, सो ये इसका फीचर है आई थिंक इसमें अभी भी बहुत सारे काम होने की जरूरत होगी रेवेन्यूज इधर डायरेक्टली नहीं दिखा रहा है रेवेन्यू हमें मैनुअली कैलकुलेट करना होगा बाकी रिव्यूज बता रहा है कि 415 सौ है एवरेज और दो सौ सत्ताईस क्वेश्चन है आई एम नॉट श्योर की एवरेज है या टोटल है बट यूनिट शोल्ड एस्टिमेटेड बता रहा है पर मंथ दो सौ पचपन हो रहे हैं और एल क्यू एसटी वन एवरेज है रेटिंग थ्री पॉइंट थ्री एवरेज है प्राइस फोर्टी फोर एवरेज है तो ये तीन, चा, तीन फीचर्स तो एवरेज आ रहे हैं आई थिंक रिव्यूज का टोटल काउंट बता रहा है टोटल अभी तक इस पूरे पेज पे ही चार सौ पंद्रह रिव्यूज है दिस इज वट दिस इज वट इजिंग एस इसके अलावा आप यहाँ पे कैलकुलेटर का बटन देख रहे होंगे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप अपना दराज का कमीशन वी हैंडलिंग फी और ये सारा